अपने आप को ये बात मैंने पहले भी की है कि अपने आप इस तरह से नहीं करें कि भाई मैं सीरियसनेस का कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को तकलीफ नहीं दूंगा या मजदूरी नहीं करूंगा, मेरी उससे सेहत नहीं खराब होगी तो शायद मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। आप सोने वाला टाइम जो है, जो आप मोबाइल देखते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, वो उसको आप ना करें। आप भले आधा घंटा पहले सो जाएं, आधा घंटा बाद में भी उठ जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उठने के बाद जो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप उठने के बाद फौरन मैं आपको एक तरतीब बताऊं इन जनरल कि आप ब्रश वगैरह किया उसके बाद कोशिश करें कि पानी पीना शुरू करें। आप पानी पीना शुरू करें उसके बाद अगर घर में कोई वर्कशॉप करने की, स्पेशल लड़कियों के लिए क्योंकि वो बाहर नहीं जाती है तो कोई जगह है तो आप थोड़ी थोड़ी वॉक भी करें। अपने रिश्ते हैं आपकी इंग्लिश कैबिनेट की दूसरी चीज़ जिसके स्टार्टर नहीं होता, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप फौरन जाके नान तो नहीं खाना शुरू कर देते ना, ऐसे ब्रेन का भी एक तबीयत होती है ना, तो आप लिस्टें निकालें एडियम्स की दूसरी तीसरी, उसको आप रिवाइज करना शुरू करें। ऐप्स हैं बड़ी अच्छी इसके ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर, वही जो आप डीआर की लिस्ट रिवाइज कर रहे हैं उसमें आप वो आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। जब आप फ्री बैठे हैं, फर्स्ट आपने खाना खाया, फ्री बैठे हैं, चाय शाय पी, अभी आप पढ़ नहीं रहे तो आप वो टेस्ट करें, उसमें एंड पे आपको पूरा वो रिजल्ट आता है पाई चार्ट में कि आपने कितना अच्छा टेस्ट किया है कितना नहीं है। तो वो मैं किसी एक के साथ बल्कि के ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूँगा आज, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। उसकी डिक्शनरी बड़ी अच्छी है मरे हुए बेस्ट की, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उसका पेड वर्जन ले लें तो वो भी 200-300 रुपये का होता है फॉर एवर, तो वो आप ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। उसमें ये है कि आप वर्ड जो देखते हैं फिर उसमें सेव होते जाते हैं।